दोस्तों, अगर आपकी भी YouTube अर्निंग कुछ दिनों से आपके YT स्टूडियो में अपडेट नहीं हो रहा है, साथ ही साथ आपने जो अर्निंग बनाया है वो अर्निंग भी कम हो जा रही है, मतलब जो डॉलर आपने कमाया हुआ है वो डॉलर भी कम हो जा रहा है। दोस्तों, जब से ये प्रॉब्लम YouTube पे आया है कि आपकी अर्निंग आपके YT स्टूडियो में ऐड नहीं हो रहा है, तब से भाई मुझे बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे लोग मेरी वीडियोज़ के नीचे कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई मेरा जो अर्निंग है वो जुड़ नहीं रहा है, साथ ही साथ मेरी अर्निंग भी कम हो जा रही है। जो मैंने YouTube से अर्निंग किया, जो मैंने डॉलर बनाया है वो डॉलर भी कम हो जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप लोग ध्यान से देखा। दोस्तों, इस वीडियो में इस प्रॉब्लम का पूरा फुल सलूशन लाए हैं और साथ ही साथ मैं आपको बेहतर तरीके से समझाऊंगा कि भाई ये प्रॉब्लम कौन सी है और ये प्रॉब्लम YouTube पे किस लिए आया है। दोस्तों, इसके लिए मुझे आपको लेके चलना पड़ेगा अपने YT स्टूडियो एप्लीकेशन में, जहाँ पर मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा और ये अर्निंग आपके YT स्टूडियो में क्यों ऐड नहीं हो रहा है आपको बेहतर तरीके से मैं बता पाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे YT स्टूडियो एप्लीकेशन में, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम आ चुके हैं अपने YT स्टूडियो एप्लीकेशन में। यहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम क्या हो रही है आपको, आपकी रेवेन्यू आपके YT स्टूडियो में जनरेट नहीं हो रहा है, मतलब आपका जो अर्निंग है वो आपके YT स्टूडियो में अपडेट नहीं हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पे आप नीचे चलिए, यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ यूट्यूब इशूज, ठीक है। यहाँ पे दिसंबर 10 रेवेन्यू डाटा, ठीक है। यहाँ पे डुलेट सीन 12 से 6, ठीक है, मतलब ये 6 से 12 तारीख तक आपका जो रेवेन्यू वो जनरेट नहीं होगा। ये जो प्रॉब्लम यूट्यूब को पता चल गया है, अब इसको मैंने इसको जब इस पर टैप करके इसके पूरे अच्छे तरीके से छानबीन किया, इसको पढ़ा, तो यहाँ पे YouTube ने लिखा हुआ था कि YouTube को ये इस चीज़ की जानकारी हो चुकी है, क्रिएटर्स इसको लेके ज़्यादा परेशान नहीं हो, मैं जल्द ही इस प्रॉब्लम का सलूशन ला दूंगा, ठीक है। दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस चीज़ को लेकर कुछ भी परेशानी मत रहिए, कुछ भी परेशान मत रहिए, ठीक है। YouTube को ये चीज़ पता चल गया, YouTube जल्द ही इसको ठीक कर देगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग नोटिस कीजिए, यहाँ पे ऊपर भी इसको हाईलाइट किया गया है, यहाँ पे लास्ट 28 डेट, ठीक है, एस्टिमेटेड रेवेन्यू डुलेट 2 डेज, मतलब कि ये 2 दिन से, कुछ लोगों का 2 दिन से चल रहा है, कुछ लोगों का 3 दिन से चल रहा है, कुछ लोगों का 4 दिन से चल रहा है, ठीक है। जल्द ही ये अपडेट होके आपके YT स्टूडियो में आ जाएगा, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम लेंगे कोई भी जरूरत नहीं है। और कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि भाई मेरा जो YT स्टूडियो का अर्निंग है वो कट जा रही है। दोस्तों, मैं आपसे बता दूँ, किसी की अर्निंग कटी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ऊपर क्या लिखा है, लास्ट 28 दिन का ये आपका सब ये जो एनालिटिक्स है, चाहे वो व्यूज हो, चाहे सब्सक्राइबर हो, चाहे आपका रेवेन्यू हो, ये सब लास्ट 28 दिन का दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप ही बताइए, अब 3 दिन से आपकी अर्निंग जुड़ेगी नहीं तो भाई कम तो होनी है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट 28 दिन का दिखा रहा है। अब वो जैसे दिन आगे बढ़ेगा तो पीछे से कम होता रहेगा, ठीक है। तो आगे के दिन जब अर्निंग जुड़ेगी नहीं तो पीछे के दिन का मैनेज नहीं कर पाएगा तो आगे कट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने पूरे रेवेन्यू को देखना चाहते हैं तो जाके आप अपने लाइफ टाइम पे रेवेन्यू वाले ऑप्शन पे जाके लाइफ टाइम पर देख सकते हैं, आपकी पूरी की पूरी अर्निंग रहेगी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आपको पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा कि भाई आपकी जो अर्निंग है वो कट नहीं रही है, और उसका सेकेंड प्रॉब्लम है कि भाई आपका जो अर्निंग जुड़ नहीं रही है वो तो YouTube को पता चल गया, जल्दी इस प्रॉब्लम का भी सलूशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका भाई इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आता रहता है। तो चलिए दोस्तों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए दोस्तों, बाय।